हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। इसका हाँ नहीं। सो ये है आराधना मैम का घर। कैमरा अच्छा है लेकिन तू क्या है कि कैमरे से नहीं बनाना, फिल्टर से ज्यादा। सो गाइस, अब आए हैं हम मनीषा मैम के घर पे। पहले मेरे रूम पे गए और वहाँ से चेंज करके हम लोग आए मनीषा के रूम पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम था और उसके बाद हम निकल रहे हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं पल्टन की तरफ। सो हमें लेना है कुछ सामान और कल जैसे कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम, सो हम जा रहे हैं अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए पल्टन की तरफ। सो हमें लेना है ब्लाउज़ और कुछ हमें और सामान भी साथ में लेना है, तो हम लोग जा रहे हैं मनीषा और मैं। सो गाइस, यहाँ पे आराधना मैम अपने ब्लाउज़ की शर्टिंग के लिए आ चुकी है। तो ये है, बेचारी सोच में पड़ी, मिल ही नहीं रहा उनको उनका कलर। भाई पिस्ता में नहीं मिलेगा इसमें, एक तो ये सही है, सेम ये वाला। हाँ, मतलब पिस्ता में चाहिए, पिस्ता ग्रीन। हाँ भाई गाइस, मैं तो इस भीड़ में थक गई, सच में थक गई। गाइस हमने ले लिया मैम का ब्लाउज, मैम ने ब्लाउज ले लिया है। ये है घंटाघर, ये आराधना मैम, यहाँ पे है मार्केट की गली जिसमें हमेशा चहल पहल रहता है। कौन सा ऊपर जो लगे थे तो गाइस हमेशा यहाँ भीड़ रहती है यार। पांच बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी और अपनी ठीक है। ज्योति मैम को आप भेजो। हाँ मैं भेज दूंगी मैम को, भेजो ना फोटो। सो यहाँ पे मनीषा मैम देख रही थी साड़ी के लिए कुछ हाई नेक टाइप, मतलब शॉर्ट में हो टॉप टाइप का। सो यहाँ पे ये काफ़ी ढूंढ रही थी यहाँ पे। सो मैं बैठ गई और मैं यहाँ पे इनकी वीडियो बनाने लग गई। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा इन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। इन्हें बेसिकली इन्हें चाहिए था ब्लैक कलर का, तो ये ब्लैक कलर देखने के चक्कर में एक दो कलर और इन्होंने देख लिए, तो ये देखती गई। उसके बाद उनको एक पसंद आया और वो पेमेंट भी उन्होंने कर दी, तो अब उनका कर दी दो भैया। तो गाइस यहाँ पे हमारी हो गई थी शॉपिंग और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। जो जो हमें सामान लेना था सारा ले चुके थे हम लोग, और अब हमने सोचा कि उन्हें रूम की तरफ निकल जाएं। आज मनीषा मेरी रूम पे आ रही है क्योंकि मेरे घर पे आज कोई है नहीं, तो मैंने सोचा मनीषा क्यों ना मेरे साथ आ जाए। तो मनीषा भी तैयार हो गई, फाइनली मैंने मना लिया उसको। सो अभी आते आते हमको हो गई थी रात, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आज, जैसे कि सबको पता है कि छठ पूजा है, तो यहाँ पे बिहार में काफ़ी ज़्यादा ये मनाया जाता है। तो जो भी लोग वहाँ से जो यहाँ देहरादून में रहते हैं, तो ये रिस्पना नदी की जिस पास में वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट उसे करते हैं छठ पूजा को। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ छठ पूजा का थोड़ा बहुत नज़ारा। सो गाइस, जहाँ तक मैंने सुना है छठ पूजा के बारे में, कहा जाता है कि द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पति के लिए फर्स्ट जो रखा था कि उस टाइम वो अपना राजपाट जो हार गए थे पांडव, तो उनके लिए ये रखा जाता है। और कहा जाता है कि ये अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए भी यहाँ पे बिहार में जब ये मनाया जाता है, तो ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अच्छा होता है, और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए भी ये व्रत जो है वो रखा जाता है यहाँ पर। मोस्टली आपने सुना होगा कि यूपी और बिहार में जो छठ पूजा का त्यौहार है वहाँ पे ज़्यादातर मनाया जाता है, और यहाँ पे उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। मैम यहाँ पे छठ पूजा देख रही थी, कैसा लगा? अच्छा, फर्स्ट टाइम है ना यहाँ। और अभी दिखाऊंगी मैं, यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है ना, मतलब छठ पूजा देखने के लिए। नेहरू कॉलोनी में मनाते हैं हमारे साइड, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, देखो यहाँ नीचे मना रहे हैं, सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि हर त्यौहार का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ और अब आप यहाँ से देखेंगे कि लोगों की भीड़ देखो, यहाँ देखो नीचे पुल के नीचे मना रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और पटाखे भी फूट रहे हैं, मतलब इनका जो बिहार से है ना छठ पूजा, बिहार को लोकेट करती है।
यहाँ भीड़ देखिए आप। ये देखिए सब अपने अपने छठ पूजा के लिए। आज हमने आराधना मैम को छठ पूजा भी दिखा दिया देहरादून की। वो इसको इनको सॉरी। सो गाइस टडिंग 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 दोबारा से वेलकम। भीड़ कम, बहुत खूबसूरत प्लान। इधर भी है थोड़ा, उनको भी नजर। हम लोग पहुंच चुके हैं आराधा मैम के रूम पे और आज की नाइट जो है ना आराधना मैम के साथ इनके रूम पे है, किसी रीजन की वजह से वो हम आपको ना ही बताएंगे। मैं बताना चाहती हूँ, आज मैं हूँ अकेली, तो मैंने अकेली मनीषा को बुला दूँ, तो मैंने इनको कॉल किया और साथ में हम लोगों ने शॉपिंग भी की है आज, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी पूरे ब्लॉग में। सो अभी हम लोग बैठे हैं रूम पे और ठंडी बहुत है और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोचे थे कि क्या बनाए, तो खाना हमने ना ठूस लिया है, मतलब दिन में तो हमने स्कूल से आने के बाद खाया दोनों ने बहुत सारा। मैंने इनके जो इन्होंने हलवा बनाया था इनके घर जाके खाया और इन्होंने यहाँ पे मेरी जो रोटी बनाई थी वो भी खा ली। थोड़ा बहुत हम बचा भी है, बचा तो क्या है, दाल है थोड़ी सी और मैं सोची कि थोड़ा सी सब्जी बना लें और दो चार रोटियाँ बना लें, अगर इनको चावल खाने हैं तो वो भी बना लेंगे, लेकिन रोटी हम दोनों खाना चाहते हैं तो रोटी हम खाएंगे। हम चलेंगे रोटी की तरफ और बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय।